Good morning, everyone. I hope you all are safe at your places. So today we are going to continue our very first chapter of your history book, that is what, where, how and when. And your topic which we covered today is one past or many. Past ek hi hota hai ya bahut sare past hote hain? So did you notice the title of this book, Our Past? आप सबके बुक का जो टाइटल है वो क्या है? Our past है. अब आप देखोगे past नहीं बोला है, इसको past plural में बताया है. Our past मतलब plural में बताया कि हमारे जो past है बहुत सारे past हैं, ठीक है? हमारा जो इतिहास है बहुत बहुत सारा इतिहास है, बहुत ज्यादा, ठीक है? So we have used the word past in We have used the word past in plural to draw attention to the fact that the past was different for different groups of people. अब ये जो past word हमने use किया है, वो हमने क्यों use किया है? वो हमने इसलिए use किया है क्योंकि जो past है different लोगों के लिए, different groups of people के लिए different होता है, ठीक है? तो different group of people है, different group of people had different past. That's why we have used the term past in past. Okay, हमने इसलिए कौन सा word use किया है? Past use किया है. Okay. For example, the lives of herders or farmers were different from those of kings and queens. The lives of merchants were different from those of craft person and so on. अब आप example के रूप में देखिए, अगर हम past में अगर किसी फार्मर के पास्ट के बारे में पढ़ रहे हैं तो उस जो फार्मर का और हर्डर कौन होता है? जो कैटल्स को हर्ड करवाता है, चराता है, ठीक है? जैसे कि गाय बकरी शीप इन सबको जो चराता है, ठीक है, हर्ड करवाता है, उसको हम हर्डर बोलते हैं, ठीक है? So, जो हर्डर्स की और फार्मर्स की लाइफ होगी, किसान की जो लाइफ होगी, उनके पास्ट के बारे में पढ़ेंगे हम. उनके पास्ट के बारे में हो सकता है हम ये पढ़ते हो कि उनके लाइफ में कैसे स्ट्रगल रहा है, कैसे उन्होंने एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट लेकर आए हैं, इरिगेशन कैसे करते थे, ठीक है, बीज कैसे बोते थे, उनको लोन कैसे मिलता था, ठीक है, वो खाना कैसे खाते थे, स्कूल जाते थे कि नहीं जाते थे, हम उनके पास्ट के बारे में ये सब पढ़ेंगे. बट कोई हम किंग्स एंड क्वींस की लाइफ पढ़ते हैं तो अगर हम किंग और क्वीन की लाइफ पढ़े तो उनकी लाइफ बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है. आपको एक एग्जांपल बताती हूँ. अब आप जोधा अकबर देखते हो, ठीक है? एक मूवी आई थी जोधा अकबर, जिसमें अकबर की कहानी बताई गई है, अकबर की लाइफ का एक छोटा सा हिस्सा बताया गया है. तो अकबर की जो लाइफ है, ठीक है, हम अकबर किंग थे, मुगल एम्परर थे, वन ऑफ द फाइनेस्ट रूलर थे. तो उनका जो इतिहास बताया गया है, उनका जो पास्ट बताया गया है, वो काफी डिफरेंट है. कौन सी मूवी से, अगर हम कौन सी मूवी हम देख सकते हैं, आप सबने मोहनजोदारो देखी होगी, ठीक है? मोहनजोदारो भी एक नॉट एक बनी बनाई, हमने इमेजिनेशन से एक कहानी बनाई है. तो वो मोहनजोदारो में जो लोगों की कहानी है उससे डिफरेंट है, राइट? तो हर्डर्स और फार्मर्स की लाइफ क्वीन और क्वीन से बहुत डिफरेंट होगी. द लाइफ्स ऑफ मर्चेंट्स, मर्चेंट्स मतलब जो ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है, जो बिजनेसमैन होते हैं, जो सामान खरीदते हैं और बेचते हैं, बहुत बड़े रूप में सामान खरीदते हैं और फिर बेचते हैं, एक कंट्री से सामान खरीदते हैं और दूसरी कंट्री में जाके बेचते हैं, वो मर्चेंट्स होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है? सो जो मर्चेंट्स की लाइफ्स है वो काफी डिफरेंट होती है क्राफ्ट पर्संस की. क्राफ्ट पर्संस कौन होते हैं? हम आपको बोलते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट करना है, ठीक है, यू हैव टू डू आर्ट एंड क्राफ्ट मटेरियल और इसमें इंटरेस्ट लिया करो. आर्ट एंड क्राफ्ट मतलब जो आपके क्रिएटिविटी वाले काम होते हैं. जैसे अभी आप सबको एक क्राफ्ट एक्टिविटी दी गई हुई है. क्या एक्टिविटी दी गई है? कि आपको हमारा फेस्टिवल आ रहा है रक्षाबंधन, तो आपको राखी बना के अपनी राखी की बनाने की एक्टिविटी दी गई है, तो वो क्या है? क्राफ्ट है. तो वैसे ही क्राफ्ट में बहुत सारी चीजें आती है, जैसे कि पेपर मैशे से चीजें बनाना, ठीक है, अब
पॉट्स बनाना, मतलब घड़े बनाना, उसके खिलौने बनाना, तो ऐसे क्राफ्ट्स में बहुत सारी अलग अलग चीजें आती है। तो क्राफ्ट पर्सन की जो लाइफ होगी वो पर मर्चेंट्स की लाइफ से काफी डिफरेंट होगी। मर्चेंट्स हो सकता है ज्यादा अमीर हो, ठीक है, उनकी घूमने फिरने की टूर की कहानी, हम टूर के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे, बाई क्राफ्ट पर्सन के बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसे उनको क्रिएट करते थे, कैसे वो बनाते थे चीजों को, क्या टूल्स यूज करते थे, ये सारी चीजें। तो हमने इस बुक में, ये जो बुक है उसका जो आपका टाइटल है वो आवर पास्ट इसलिए है क्योंकि डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल का जो पास्ट है डिफरेंट होता है, ठीक है। अब आपके घर की स्टोरी, आपके आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनका पास्ट और मेरे जो एंसेस्टर्स हैं उनका पास्ट काफी डिफरेंट रहा होगा, हम लोग सेम नहीं है ना, तो वैसे ही हर एक इंसान का जो पास्ट है वो डिफरेंट होता है। अब इंडिया का जो पास्ट है वो अफ्रीका के पास्ट से डिफरेंट होगा, राइट। तो जस्ट लाइक दैट डिफरेंट पीपल हैड डिफरेंट पास्ट, डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल हैव डिफरेंट पास्ट, दैट्स व्हाई वी यूज द टर्म आवर पास्ट इन द टाइटल ऑफ दिस बुक, ऑफ योर हिस्ट्री बुक। नेक्स्ट, इवन टुडे व्हेन पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिसेस एंड कस्टम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, आज की डेट में भी, ठीक है, आप सब अलग अलग बैकग्राउंड से आते हो, ठीक है, आपके घरों में हो सकता है कि थोड़ी लैंग्वेज डिफरेंट बोली जाती हो, ठीक है, आपके घर में कस्टम्स, फेस्टिवल्स, आपकी जो शादियां होती है घर में वो डिफरेंट होती होगी। तो आप इस क्लास में अपने फ्रेंड्स और से सुनते हो कि हमारे घर में तो ऐसा होता है इस फेस्टिवल में, ठीक है, हमारे घर में ऐसा होता है, तो आप सब सुनते हो ना। तो आज की डेट में भी हमारे हमारी जो प्रैक्टिसेस होती है, डिफरेंट डिफरेंट पीपल डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिसेस करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कस्टम्स को फॉलो करते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड कंट्री में। जैसे कि अब हमारे नॉर्थ इंडिया में, जो नॉर्थ इंडिया में हम जैसे दिवाली को बहुत ज्यादा अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, दिवाली को हमारे राजस्थान में हम गणगौर भी बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। वहीं पे अगर आप वेस्ट बंगाल चले जाओ, ठीक है, ईस्ट इंडिया के साइड में चले जाओ, तो वहां पे कौन से फेस्टिवल्स बहुत अच्छे तरीके से मनाए जाते हैं, वो दिवाली भी मनाते हैं, ठीक है, बट वो दुर्गा पूजा बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, बहुत धूमधाम से। हम दुर्गा पूजा उतने अच्छे से सेलिब्रेट नहीं करते जितने अच्छे से वो सेलिब्रेट करते हैं। तो आज के डेट में भी जो अलग अलग हमारे कस्टम्स हैं, फेस्टिवल्स हैं, अलग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में लोग क्या है डिफरेंटली फॉलो करते हैं, ठीक है, दैट्स व्हाई वी यूज द टर्म पास इन फॉर द टाइटल ऑफ दिस बुक। नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल टूडे, देखिए एग्जाम्पल भी दिया गया है आपके बुक में। फॉर एग्जाम्पल टूडे मोस्ट पीपल लिविंग इन द अंडमान एंड निकोबार आईलैंड गेट देयर ओन फूड बाई फिशिंग, हंटिंग एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। देखिए बेटा, आज के डेट में जो अंडमान एंड निकोबार आईलैंड है, हमारे इंडिया में दो ग्रुप्स ऑफ आईलैंड है, फर्स्ट अंडमान एंड निकोबार आईलैंड और सेकेंड लक्षद्वीप आईलैंड, ठीक है। तो आज के डेट में जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है वहां के लोग कैसे अपना फूड कैसे अपनी लिविंग कैसे करते हैं, अपना फूड कैसे बनाते हैं, अपना फूड बनाते हैं फिशिंग, ठीक है, क्योंकि पानी के पास का इलाका है तो फिशिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी। फिशिंग, हंट करते हैं, फॉरेस्ट का प्रोड्यूस, मतलब वहां पे फॉरेस्ट फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट से चीजें कलेक्ट करते हैं और खाते हैं, ठीक है। बाय कंट्रास्ट मोस्ट पीपल लिविंग इन सिटीज डिपेंड ऑन द सप्लाईज ऑफ फूड, और वही अगर हम यहाँ पे अपना हम सिटी में रह रहे हैं, ठीक है, हम किस पे डिपेंडेंट हैं, हम सप्लाईज ऑफ फूड में डिपेंड करते हैं कि हाँ गेहूं, अबे हमें आटा आटे की रोटी बनानी है और खाना है, तो हम क्या करेंगे, आटा ले आएंगे, ठीक है, हो सकता है कुछ घरों में गेहूं लेकर आते होंगे और उसको पिसवाते होंगे, उसको, ठीक है, फ्लोर में कन्वर्ट करवाते होंगे, बट हम नॉर्मली क्या करते हैं, बाजार में जाते हैं, दुकान से आटा खरीद के ले आते हैं और बना लेते हैं। तो बट वो लोग क्या करते हैं, जो अंडमान एंड निकोबार में जो लोग रहते हैं वो
खुद का फूड अपने आप बनाते हैं, जैसे कि फिशिंग करते हैं, हंटिंग करते हैं, ठीक है, अपना फॉरेस्ट से फल फ्रूट्स फ्रूट्स वगैरह वो तोड़ के लाते हैं और खाते हैं, ठीक है। सो डिफरेंसेस सच एज दीज एग्जिस्टेड इन द पास्ट एज वेल, ये जो डिफरेंसेस आज की डेट में, ये डिफरेंसेस पास्ट में भी रहा करते थे, ओके। Next, besides, there is another kind of difference. We know a great deal about kings and battles. Kings and the battles they fought because they kept records of their victories. Now, अब अलग तरीके का भी एक difference है, वो difference क्या है? Kings और जो है किंग्स और उनके जो बैटल्स, जो भी उन्होंने बैटल्स लड़े हैं, जो भी उन्होंने लड़ाइयां की है, वॉर किया है, अगर वो क्या करते हैं, वो रिकॉर्ड बना के रखते थे कि उनकी उनकी जीत कैसी हुई है, ठीक है, कि उन्होंने कैसे क्या क्या उन्होंने वो अपने टाइम पे क्या क्या लेकर आए थे, कैसे उन्होंने अपनी जीत को लिखवाया, ठीक है, कि कैसे हमने कैप्चर किया ये एरिया, ओके, ये सारी चीजें। बट जो जनरली जो ऑर्डिनरी पीपल होते थे, जैसे कि हंटर्स हो गए, फिशिंग फोक हो गए, फिशिंग फोक मतलब जो फिशिंग करते हैं, फिशरमैन, गैदरर्स हो गए, फार्मर्स हो गए, हर्डर्स हो गए, ये लोग रिकॉर्ड नहीं रखते थे कि वो क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं। बट जो अब किंग्स एंड क्वींस तो क्या है, बहुत हाई लेवल होते थे, रूलर्स होते थे, तो वो उनके पास पैसा होता था, तो वो क्या कर लेते थे, वो आराम से रिकॉर्ड रखवा सकते थे। बट जो ये नॉर्मल पीपल थे, वो बहुत ही कम ऐसा होता था कि अपना रिकॉर्ड रखते थे, अपने बारे में लिखते थे। सो आर्कियोलॉजी हेल्प्स अस टू फाइंड आउट अबाउट देयर लाइव्स, देयर इज मच दैट रिमेन्स अननोन। जो आर्कियोलॉजी है, आर्कियोलॉजिस्ट कल आपको मैंने बताया था, ऐसे पर्सन जो पास्ट के बारे में पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, उनको हम आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। और ये जो ऑक्यूपेशन है, इस ऑक्यूपेशन को हम बोलते हैं आर्कियोलॉजी। तो आर्कियोलॉजी हमें हेल्प करता है, हमारी मदद करता है कि हम ऐसे लोगों के बारे में, ऐसे लोगों की लाइफ के बारे में जाने जो आज तक अननोन है, जैसे कि ऑर्डिनरी पीपल्स, इन्होंने ऑर्डिनरी पीपल ने क्या किया, अपने लाइफ के बारे में ज्यादा कुछ नहीं लिखा है ना, जस्ट लाइक दैट, ओके। ओके क्लास, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास एंड